जैसे कि ना हम लोग को कार्ड वोड तो मिला नहीं था, मगर क्या है कि बारात का ऐसा माहौल हो जाता है जब गांव में डीजे उजे बजने लगता है ना, तो बारात जाने की फीलिंग आप लोग समझ सकते हैं। कहीं दूल्हा देख लिया तो क्या बोलेगा, आप बोली कहीं जब हम रो बराते थे ना जाए तुम्हारी शादी हो गई है भैया, पानी वानी पी चुके हैं और देख लीजिए यहाँ कितने लोग हैं जो पानी पी रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद आप सब एकदम मस्त होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। और अभी दोस्तों रात के 9 बज रहे हैं और हाँ, आज हमारे गांव में एक शादी है दोस्तों, जो कि हमें बारात जाना है। वैसे तो जाने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था, लेकिन हमारे सारे दोस्त लोग जा रहे हैं ना, तो फ़ोन करके अभी अभी एक मिनट पहले कॉल किए हैं कि चलिए विजय भाई बारात में चलते हैं। वैसे तो बिल्कुल ही जाने का मन नहीं था, लेकिन इतना ज़्यादा बोल रहे हैं तो चलिए चल जाते हैं बारात में। और हाँ, बहुत लोग जाएंगे दोस्तों बारात में, तो चलिए सबसे पहले हम पवन भैया के पास चलते हैं और सीधा बारात में निकलते हैं। और अभी दोस्तों हम लोग बारात में पहुंच चुके हैं और ये देखिए सारे भाई लोग भी आ गए हैं। ये देखिए दोस्तों, विशाल भाई डांसर भाई हैं और संजय भाई, राहुल भाई, सभी लोग आ गए हैं बारात में ना भैया? हाँ भैया, सभी लोग आ गए। और हम लोग अचानक में आए हैं बारात में, पता नहीं था हमें बारात जाना है, मतलब भैया लोगों को तो पता था, हमें नहीं पता था ना भैया। जैसे कि ना हम लोग को कार्ड वोड तो मिला नहीं था, मगर क्या है कि बारात का ऐसा माहौल हो जाता है जब गाँव में डीजे उजे बजने लगता है ना, तो बारात जाने की फीलिंग आप लोग समझ सकते हैं। वो तो बात सही है, बहुत ही अच्छा लगा हमें भी आके बारात में, तो इसीलिए हम लोग गाड़ी उठाए और बारात में आ जाए। और सब कोई बाइक से आए हैं, अपने अपने बाइक से आए हैं ना भैया? हाँ। और कैसा लग रहा है बारात में आके? अभी तो लाइट वाइट कुछ लगा नहीं है, पता नहीं कब लाइट लगेगा। चलिए फ्री वाला चीज है, कोई बात नहीं, मिठाई उठाई खाएंगे, खाना खाएंगे, पियेंगे, निकल जाएंगे घर के लिए, डांस वांस करेंगे विशाल भाई के साथ। मतलब पवन भैया डांस करते हैं और हमारे विशाल भाई और संजय भाई सब कोई इसमें डांसर ही है दोस्तों। डीजे चार लोग, अरे चार लोग है, कम से कम आठ लोग। हम नायक है भाई, माफी जैसे हम डांस मतलब विशाल भाई बोल रहे हैं कि डीजे पे गाना हमारे पालत भाई लगाएंगे। जैसे भाई मेरा तो डीजे है नहीं कि मैं अपने मर्जी से गाना नहीं, नहीं। जैसे कि डीजे अपने बाप का तो है नहीं, अपने मर्जी से चाहे जो गाना लगाते हैं, तो इसीलिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डीजे वाले बेचारे वैसे परेशान रहते हैं, कितना गाली पाते हैं क्या क्या। और वैसे भी दोस्तों हम लोगों का तो फ्री सेवा है, हाँ, तो उसमें हम लोग से कोई मतलब नहीं, क्योंकि थोड़ा देखेंगे एंजॉय करेंगे, उसके बाद खाना वाना। और पनीर तो भैया आज सुबह रोज खाना नहीं खा रहे हैं, सुबह से ही खाना नहीं खाए थे भैया ना। अब पनीर के फीलिंग, अब कहूँ दो चार किलोमीटर दूर अगर महके लागत है बना था, तो महकी हमरे तक आते तो ही नाते हमें सोचे बराते जाए नहीं नाते, मैं हमारा कपड़ा वाला प्रेस करा के रखी थी, जब मैंने कहा है कहूँ महका तुरंत दौड़ के गयो, कपड़ा वपड़ा उठा के निकल लो कहीं पर भी। चलिए तो कोई बात नहीं, इसीलिए विजय भाई को भी लेकर आए हैं साथ में। मतलब हमारे तो आने का प्लान बिल्कुल नहीं था, हमारे पहलाद भाई बोले कि चलिए फ्री से जबरदस्ती जबरदस्ती बैठा है, जबरदस्ती, हाँ जबरदस्ती उठा के लेके आए हैं कि चलिए बाइक पे बैठ जाइए, बाइक पे बैठा दिए हैं और अभी हम लोग आ गए हैं बारात में, फुल एंजॉय करेंगे। अभी, और अभी कहीं दूल्हा देख लिया क्या बोलेगा, आप बोली कहीं जब हम रो बराते थे ना जाए। हाँ भाई, तो बाकी तुम्हारी शादी हो गई है भैया, भाभी के साथ ये गद्दारी कर रहे हो क्या? फिर भी बोले हमरे बराते ना जाए, हमरे लड़का ने बच्चन के बराते ना जाए। चलिए बात तो सही है, और इसीलिए हम लोग बारात से काफी ज्यादा दूर आए हैं वीडियो बनाने के लिए, ताकि हम लोगों को बात कोई सुन ना ले ना भैया। सुनी के का करें यार, सही बात है, बहुत शर्म लागल है। भैया आप हिंदी में बोलिए, पब्लिक समझ नहीं पाएंगे, कुछ पब्लिक समझ नहीं पाएंगे, कुछ समझ जाएंगे, तो हिंदी में बोलिए। तो भाई लोग हम थोड़ा फनी बोल लेते हैं। हाँ हाँ, वो तो बात आपकी भावनाओं को हम समझ सकते हैं भैया, तो इसकी वजह से ऐसे बोल रहे थे कि आप लोग को पसंद आएगा मेरी गला की आवाज। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे कोई बात नहीं, जैसे इंडियन है भारतीय है तो वन मिनट जैसे कि भाई हमारा उत्तर प्रदेश और हम एक देहात गांव में रहते हैं और जिला सिद्धार्थ नगर गांव का नाम मसीना है। अभी ये भाई से कांटेक्ट करने के लिए आप लोग को भी अभी जल्द से जल्द सेवा दिया जाएगा, इनका नंबर आईडी पे रहेगा, आप लोग कभी भी मिल सकते हो,
हम लोग से यार मिलने आओ थोड़ा, क्या है अच्छा दिल को भी सुकून मिलेगा ना जब लोग हम लोगों से मिलने के लिए आएंगे। हमारा वीडियो देख रहे हैं, हम लोग से मिलने आ रहे हैं, बहुत ज्यादा फीलिंग होगा भाई लोग। आप लोग आ नहीं रहे हो इसके लिए हम लोग को बहुत तकलीफ होगा। हम लोग समझ रहे हैं ना कि हम लोग का वीडियो आप लोग को अच्छा नहीं लगता। हाँ। तो यार भाई आप लोग कमेंट में बताओ कि अच्छा लगता है और बम्पर से बम्पर वीडियो हाँ। बनाएंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। और इसे तो मेहनत कर रहे हैं हम लोग मेहनत तो हम लोग कर रहे हैं बारात में बिन बुलाए बाराती में जाकर ये लोग मेहनत केवल आप लोगों के लिए दोस्तों, ताकि आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए ताकि हम लोग भी थोड़ा बहुत कामयाब हो सके और ज्यादा से ज्यादा फ्री समय में जा सके ना भैया। जैसे कि फ्री का बारात कहीं पर भी हो तो थोड़ा दूर दूर पे भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा, वहाँ पर भी जा सकते हैं। हाँ। एक कॉल पर जो भाई है ना सबको फोन लगा के बता देते हैं, सब तैयार हो जाते हैं बाइक लेके अपना अपना। हाँ। इस बार कार्ड नहीं मिला था, सब कुछ चूतिया बनाया गया यहाँ। इस बार नहीं मिला था ना। हमारे रियाज भाई बहुत ज्यादा उदास है क्योंकि नहीं उदास नहीं है। देखिए आज इस सुबह से ही खाना सुबह से ही न्योता कर रहे हैं, चाय तक नहीं। नहीं सुबह चाय तक नहीं खाए, जो बारात आया हूँ चौथा न्योता है मेरा। हाँ, अभी तक बोल रहे थे कि न्योता ही नहीं है। नहीं सुबह से है इनका। अच्छा सुबह से ये खा। अच्छा आज के दिन ही चार न्योता, आज ये तोड़ कर आए हैं बकरा मुर्गी फ्राई मतलब सब कुछ हर चीज। दर्द कर रहा थोड़ा बहुत, अभी खाएंगे तो। हाँ हाँ वो तो बात सही है। अब जा रहे डीजे वाले के पास फोन करने, देख रहा है अभी कहाँ तक पहुँचा। अभी तक हाँ अभी तक डीजे पहुँचा नहीं है दोस्तों, बस डीजे का इंतजार करेंगे। और इसके बाद आप लोग वीडियो में बने रहिए, अभी हम लोग आप लोगों को दुल्हन को भी दिखाएंगे। दुल्हन को भी दिखाएंगे, दुल्हन जयमाल वाला दुल्हन को भी डांस भी दिखाएंगे और डांस भी दिखाएंगे दोस्तों। भैया लोगों का हम डांस भी दिखाएंगे एकदम अच्छे से आप सभी को ना भैया। तो दोस्तों हम पानी वानी पी चुके हैं और देख लीजिए यहाँ कितने लोग हैं जो पानी पी रहे हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं पानी पी रहे हैं ना भैया, और बहुत मजा आया पानी। हाँ। मस्त VIP एकदम मस्त सुविधा यहाँ पे था बारात के लिए। हाँ। मतलब जो हिसाब से किए हैं बहुत अच्छा किए हैं, हमें खुशी हुई कि ऐसा ऐसा किए हैं पानी वानी के बारे में। तो और यहाँ पे सब भाई वही लोग पानी पी रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप सभी को आवाज़ नहीं सुनाई दे रही होगी, तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं बाहर ना, क्योंकि पानी वानी पी रहे हैं। पानी वानी तो पी ले एकदम अच्छे से, अब बाहर निकलते हैं सीधा। और दोस्तों हम और अंदर के चले हैं देखने, अंदर का नज़ारा देखने, जहाँ पे जयमाल होगा वही पता कर हमें आए हैं और देखने चलने। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा सजावट है दोस्तों, ये देखिए बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है। ये गैलरी है सर, ये गैलरी है अभी अंदर है ना। हाँ अंदर चलो हम जयमाल देखते हैं कि कहाँ पे जयमाल होगा। हाँ चलिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। और ये देखिए दोस्तों भैया लोग खाना खाते खाते थक गए थे, मतलब नाश्ते नाश्ते थक गए थे, खाना भी खा रहे हैं ना भैया। तो यहाँ पर हमारे विशाल भाई खा रहे हैं, वहाँ पर रियाज भाई और डांसर विशाल भाई खा रहे हैं खाना वहाँ पर देखिए। और हमारे चाचा भी खा रहे हैं एकदम अच्छे से बैठ के खाना, और हमारे राहुल भाई खाना खा चुके हैं ना भाई। हाँ बिल्कुल। और हमारे संजय भाई भी खा लिए हैं दोस्तों, तो खाओ लीजिए भैया एकदम अच्छे से खाना। और उसके बाद में चलते हैं घर के लिए, अब घर जाना है ना। हाँ भैया तीन तीन बार आइसक्रीम भैया लेके खा रहे हैं, दो बार। और आपका कितना बार हुआ भैया? पहली बार। और तुम्हारा भैया? मैंने खाया ही नहीं। अच्छा खाया ही नहीं। और रियाज भाई तुम्हारा कितना बार? ये आइसक्रीम ना भैया। तब क्या है भैया? गुलाब जामुन। ये गुलाब जामुन इस बार हम भी भूल गए थे, पता चल गया। रबड़ी। ये रबड़ी है? अच्छा अच्छा चलिए खा लीजिए दो तीन बार,
और संजय भाई खा लिए कि नहीं भी? नहीं भाई मैंने एक भी नहीं खाया। एक भी नहीं खाया? अभी दो तीन खाए हो हमारे सामने। चलिए भाई लोग खा लीजिए जल्दी से। और अभी दोस्तों हम अपने घर पे पहुंच चुके हैं और हाँ बारात में हम फुल एंजॉय किए दोस्तों। और ये देखिए अभी सबको यहाँ पर सो गए हैं और अभी रात के 3 बज गए हैं 3 बजे अपने घर पे हम पहुंच गए हैं दोस्तों। और हाँ ये ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप सभी को हमारे इस प्यारे से ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। हम मिलते हैं आप सबसे किसी नए वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।